नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले के 75 बड़ी खबरों का। मोदी है तो मुमकिन है बन गया वैश्विक मंत्र, यूपी में भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी। गोंडा में चैंपियनशिप रद्द, 700 पहलवान वापस लौट रहे, खिलाड़ियों ने कहा इससे खेल का नुकसान हुआ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पहलवान यहां पहुंचे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में गोरखपुर की शानदार भागीदारी, 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर लगी मुहर। आजमगढ़ में बच्चों पर गिरा शज्जा, एक की मौत, 13वीं के भोज में शामिल होने गए थे, 5 हुए घायल। मेरठ जिला क्रिकेट संघ बनाएगा महिला विंग, प्रशिक्षण लेंगे खिलाड़ी, यूपी लीग को हरी झंडी। अमेठी में दबंग ने दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गाजियाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, ट्रांसफार्मर सहित खंभा नीचे की तरफ झुका हुआ है। गाजियाबाद में पत्नी ने पति की प्रेमी को हर मौत के घात, पुलिस ने किया आरोपी के पति को गिरफ्तार। गाजीपुर का उसी चट्टी कांड मामला, हाईकोर्ट से केस ट्रायल पर स्टे, अफजाल अंसारी ने दिया बड़ा बयान। हरदोई में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि, अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को मारी टक्कर। रायबरेली में प्रदेश के कृषि सचिव का दौरा, सेल्फी पॉइंट एवं अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। रायबरेली में प्रेमी जोड़े का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कर रही है जोड़े की तलाश। गाजियाबाद में श्याम मानो ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया, हिंदू रे केस दल 31 लाख का इनाम देंगे। ई रिक्शा चालकों पर चलाया गया अभियान, बिना लाइसेंस के ई रिक्शा का किया गया चलान। अहमदाबाद लापता युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस ने नहीं किया मामले में दर्ज शिकायत। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ दर्ज है 24 मुकदमे। लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना।
बुलंदशहर में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट, एक गुट पर बाहरी लोग बुलाकर हमले कराने का आरोप, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किया प्रदर्शन। फरुखाबाद में युवक को पत्नी से चाय बनवाना पड़ा भारी, पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया, हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। बुलंदशहर में सेवागिरी बाबा ने जताई हत्या करने की आशंका, सेवागिरी बाबा को मिल जान से मारने की धमकी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक की मौत, सड़क हादसे में मिल कर्मी की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में शराबियों ने किया जमकर हंगामा, शराबियों के हंगामे की वजह से सड़क पर लगा जाम। यूपी में बारिश का अलर्ट, शीतलहर के बीच कड़ाके की ठंड के आसार, कश्मीर की बर्फबारी का दिखा असर। नोएडा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, लड़कों को स्टंट करने से मना किया, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडे से चलाए, मालिक को भी पीटा। काशी में छाए काले बादल और कोहरा, पारा चढ़कर पहुंचा 30 डिग्री पर, सप्ताह भर ऐसा रह सकता है मौसम। लखनऊ में दो पक्षों में चलकर जमकर लाठी डंडे चले, विवाद में कई लोग घायल, अमीनाबाद एवं वजीरगंज की पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में पनकी नहर पर देखा तेंदुआ, राहगीरों ने तेंदुए का बनाया वीडियो, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। कानपुर में ट्रैफिक बूथ में पुलिस करते वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो में दिख रहा है पुलिसकर्मी। कानपुर में होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, चौथे फ्लोर पर चल रहा था निर्माण कार्य, सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाकर बाहर निकाला लोगों को। कन्नौज में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, पास में मौजूद 3 दुकानदारी हुई जलकर राख, स्थानीय लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हरदोई में प्रधान ने ग्रामीणों पर तानी राइफल तानने का वीडियो हुआ वायरल, आवासों की जांच करने आई टीम की मौजूदगी में हुआ विवाद। हमीरपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले सत्ता में आने के बाद महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। गोंडा में बदहाली के आंसू रो रहा स्कूल, कम हो रही स्कूल में बच्चों की संख्या। गाजियाबाद में 46 करोड़ की टैक्स चोरी के कारोबारी गिरफ्तार, फर्जी फॉर्म दिखाकर लोहा खरीद दिखाया था, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। प्रयागराज में आशा वर्कर का दर्द, कहा सीएससी पर शराब पीते अधीक्षक और एचईओ, शाम में जाने पर करते गलत व्यवहार। मेरठ में बाइक पर युवकों का जानलेवा स्टंट, बीच सड़क पर कभी पीछे से स्प्लिट करते तो कभी आगे से उठाते, राहगीरों ने वीडियो किया वायरल। मथुरा में स्कूल में भिड़ी दो टीचर, एक दूसरे की चोटी पकड़कर खींची, अभिभावकों ने कराया शांत।
शामली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। एसएसपी ने किरायेदारों का सत्यापन कराने का कहा, संदिग्ध पर नजर रखने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में युवती की संदिग्ध हालत में मौत, डॉक्टर बोले जहर खाया। पिता ने कहा 3 लाख खर्च करा कर ले रहे थे इलाज। बहराइच में 28 जनवरी को बंद रहेगी शराब की दुकानें। एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम का निर्देश, 3 जनवरी शाम को खुलेगी शॉप। शाहजहांपुर में इलाज के दौरान प्रेमी की मौत, शादीशुदा प्रेमिका को भगा कर ले जाते समय हुआ था हादसा, महिला की मौके पर ही गई थी जान। आगरा में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट, 6 चेन लूटकर भागे, पीछा करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग के 4 लोग हुए घायल। फिरोजाबाद में सुभाष चंद्र बोस जयंती का हुआ आयोजन। एसएसपी बोले युवाओं को अपना लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, पैरों में गति और हृदय में राष्ट्रभक्ति। उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को उठाया है प्रशासन ने कार्रवाई की, जला बुलडोजर, गौशाला का कराया जाएगा निर्माण। चैंपियनशिप रद्द होने के बाद पहलवानों का छलका दर्द, बोले हम किसी गुट के नहीं देश के लिए खेलते हैं। गोंडा से लौट रहे 700 पहलवान। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर अब किन्नर भी जुड़ेंगे। गाजीपुर में जिला समाज कल्याण कार्यालय ने किया ट्रांसजेंडर आइकॉन का चुनाव। सोनभद्र में हाथ से उखड़ने लगी सड़क, निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर, घटिया और कम तारकोल का किया इस्तेमाल। चलती ट्रेन के एसी कोच में महिला से गैंगरेप, केबिन लॉक पर टीटी ने की वारदात, गिरफ्तार। 2 साल के बच्चे के साथ प्रयागराज जा रही थी। कन्नौज में कुल्हाड़ी से गला काटकर किसान की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। हरदोई में कुएं में गिरा गोवंश, जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने 5 घंटे चलाए रेस्क्यू, दमकल की मदद से मिली सफलता। मुजफ्फरनगर में सपाइयों ने दी छोटे लोहिया को श्रद्धांजलि, जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर जिला कार्यालय पर जुटे सपा नेता। स्नातक निर्वाचन की तैयारियों में जुटी भाजपा, जिला उपाध्यक्ष बोले भाजपा ने संघर्षों के उपज देवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। सियासी कोरेभार में प्रसूता के परिजनों से वसूली, पति बोला एएनएम ने 1300 की दवा मंगवाई, डिस्चार्ज पर 2000 मांगे, 800 दिए तो फेंक दी। फिरोजाबाद में गैंगस्टर के 4 दोषियों को जेल, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। पीलीभीत पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर किया था फायर, आरोपियों के पास से 7 बाइक बरामद। हैंड पेंटेड मिरर फ्रेम से होगा G20 देशों का स्वागत, काशी के कास्ट कलाकारों को मिला 2500 फ्रेम बनाने का ऑर्डर। आजमगढ़ परिवहन विभाग ने की स्कूल बसों की जांच, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगातार चल रहा अभियान, मानक नियम पूरा करने वालों पर नोटिस दी गई। सोनभद्र में दृष्टिहीन से 1.90 लाख हड़पे, आंखों का ऑपरेशन कराने के नाम पर केसीसी से निकलवाए रुपए, बैंक के बाहर लेते थे रकम।
बलिया में सड़क किनारे मिला बालू कारोबारी का शव, बाइक से रिश्तेदारी में निमंत्रण देने गए थे, लौटते समय हुआ हादसा। हापुड़ में चिकित्सा शिविर में 900 मरीजों का उपचार, डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल ने किया ऐलान, गोमती नदी के हर घाट पर चलाया जाएगा महीने के दूसरे रविवार को स्वच्छता अभियान। फरीदपुर के तिहरे हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी चला रहा है इलाज, अलकतल और कारतूस भी बरामद किए गए। कार में महिला का मर्डर कर रोड पर फेंकी लाश, 7 साल से प्रेम संबंध थे, बॉयफ्रेंड बोला मुझसे अलग, मकान मांग रही थी। फिरोजाबाद में पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज पर गंभीर आरोप, ठेकेदार बोले टेंडर से की वित्तीय अनियमितता, चहेतों को पहुंचाया लाभ कार्रवाई की मांग की। बदायूं में बाथरूम में मिला डॉक्टर का शव, ओपीडी में नहीं आने पर स्टाफ पहुंचा घर, दरवाजा तोड़कर अंदर हुआ दाखिल। बलिया में गरीबों को दिया गया कंबल, समाजसेवी बोले कड़ाके की ठंड से असहायों की मिलेगी राहत, सक्षम लोग मदद के लिए आगे आए। संबल के साप्ताहिक बाजार में किसान से ठगी, 10 रुपए में तय हुई थी 80,000 की भैंस, यूं ने लगाई गुहार। बिहार में शुरू एक कागज द मिसिंग डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग, दस्यु सुंदरी सीमा परिवार निभा रहे हैं सास का रोल, भ्रष्टाचार पर आधारित है फिल्म। छासी में चौथे मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, 2 माह से इंटर कॉलेज में कर रहा था काम, छत से धक्का देने का आरोप। रेलवे स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक, रेलवे स्टेशन रेवती को हालटाए बनाए जाने नाराज, का स्टेशन नहीं बना तो करेंगे आंदोलन। सुल्तानपुर जिला कारागार को मिली 4 नई बैरक की सौगात, 443 बंदी क्षमता वाली जेल में बंद है 1700 से अधिक बंदी। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।